सो देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने क्लेम कर दिया अपने थंबनेल पे और हेडलाइन पे कि कैसे मैंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन में, सबसे पहले आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ। सो दिस वॉज माई स्टार्ट ऑफ मेकिंग मनी, राइट। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो 3.5 लाख रुपए के करीब है, ये मेरे स्टार्ट था, राइट। एंड यहाँ पर भी कुछ स्टार्टिंग पेमेंट्स थे मेरे यहाँ के, यहाँ पर आप देख सकते हो 9.96 लाख, राइट। और यहाँ पर डेट भी देख लो, आज ही ओपन किया हूँ इसको, राइट। और ये एक और अकाउंट है, यू कैन सी द ऑर्डर्स, राइट। ओके, सो दिस इज जस्ट अ डेमो, ऐसे बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे, ये सब लाइव है, राइट, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, यू कैन सी। सो अब आपने प्रूफ तो देख लिया है कि भैया हाँ, मैंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, पर कैसे किया, क्यों किया और कैसे आप कर सकते हैं, और कैसे ये जो YouTube पे नए नए गुरुज आए हैं वो आपको कैसे ये बहुत सिंपल बता रहे हैं, क्या ये रियली सिंपल है ऑनलाइन में पैसा कमाना, क्या आप थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा ऑनलाइन से कमा सकते हैं, क्या वाकई में ऑनलाइन में बहुत इजी है पैसा कमाना, सच में ये पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो खत्म होते होते आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि ऑनलाइन से पैसा अगर कमाना है तो कैसे और कितना कमा सकते हो और कहाँ तक पहुँच सकते हो और क्या ये सच में सिंपल है। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, सब कुछ डिटेल में बताने से पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया, क्या मैं बहुत ईजी कर पाया, क्योंकि मैं 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। इस अगस्त में मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस मार्केट में। इस बीच मैंने 3 बड़े बिजनेसेस किए हैं ऑनलाइन में, वो भी मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा, कैसे किया, क्यों किया और कैसे उन चीज़ों की शुरुआत हुई और मैं कितना पैसा बना पाया। ये तो आपने देख लिया कि हाँ भैया पैसा बनता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आपको YouTube पे बहुत लोग बताते हैं कि मैंने 24 घंटे में ये कर दिया, मैंने 24 घंटे में 1,01,00,000 कमा लिया, बहुत ऐसा बोलते हैं कि मैंने 7 दिन में 10,20,00,000 कमा लिया। क्या ये सब सच में एग्जिस्ट करता है? सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया। तो भैया देखो, एक समय था कि मैं था अपने कॉलेज में, लास्ट ईयर में मुझे था कि मुझे बिजनेस ही करना है, क्योंकि मैं था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और मुझे इंजीनियरिंग करना पसंद नहीं था, तब जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज गया उस ही दिन से, राइट। उससे पहले की जो कहानी है मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा, बट मैं वहां से जरूर आपको बताऊंगा कि मैंने कहां से शुरुआत किया, ताकि आपको समझ में आए कि आप भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जब लास्ट ईयर में मैंने टोटली डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, पर जब मैंने इसकी शुरुआत की थी कि मुझे बिजनेस करना है, ऐसा मैंने हल्ला करना स्टार्ट किया था, तो मेरे घर का एक किसी ने कहा था कि भैया बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि नहीं, बिजनेस तो नहीं हो पाएगा, अब मुझे जॉब ही करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर तक पहुंचा तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई थी कि अगर मैं एज अ इंजीनियर जॉब स्टार्ट करता हूं तो मुझे नहीं भी तो 15,000 से 20,000 के पैकेज में ही जॉब मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियर्स की कंडीशन क्या है इंडिया में, राइट। तो अब मैं जब लास्ट ईयर में पहुंचा तो मुझे 101% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं बिजनेस करने वाला हूं। मैंने वहां से थोड़ा सा नेट पे पड़ताल स्टार्ट की, ठीक है। उस समय मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं था, 2 GB रैम वाला मोबाइल होता था जो तुरंत भर जाता था, ठीक है, और मुझे कुछ पता भी नहीं था, 1 GB मंथली हम लोग एक इंटरनेट का पैकेज अफोर्ड कर पाते थे, राइट। उस समय तक अभी जियो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब मैं क्या किया कि मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत सारे जॉब्स के बारे में पता चला, सबसे पहले तो मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला। उसके बाद मैं जब फ्रीलांसिंग में गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक स्किल सीखनी पड़ेगी। अब स्किल कौन सिखाए, यूट्यूब का उतना नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है, सच में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-2016 की, राइट। तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब जैसा भी कुछ होता है, तो मैं गूगल पे ही सर्च करता था। थोड़े दिन बाद गूगल पे सर्च करते करते पता चला कि यूट्यूब जैसा कुछ है जिसपे भैया आप वीडियो देख सकते हो। मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, बट वही कि नेट नहीं है तो कैसे करें, 1-2 वीडियो देख पाते थे, ज़्यादातर हम आर्टिकल और ब्लॉग्स पढ़ते थे। अब ये पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि कुछ PTC साइट्स होती हैं, पे टू क्लिक साइट्स, राइट, जिसमें आप एड्स देखते हो और आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। अब वहां से स्टार्ट किया, बहुत दिन तक 6-7 महीने रगड़ा तो वहां से कुछ नहीं मिला। आपको पता है कि
$1, $2, $3 मिलता है, मतलब कुछ नहीं मिला, मतलब 10, 15, 20, $25 हुए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और उसमें एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेफरल सिस्टम, मतलब कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो उसका भी कुछ परसेंटेज मिलता है। ऐसे करके मैंने अपने कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया था, 10 से 15 दोस्तों को, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अब उन्होंने काम नहीं किया तो भैया हमारा भी कोई पेमेंट नहीं बना। फिर उसके बाद मुझे थोड़े दिन बाद पता चला कि कुछ MLM होता है, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उससे पहले मुझे पता नहीं था। इस बीच मैंने कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के सेमिनार भी अटेंड कर लिए थे एक दोस्त के थ्रू, क्योंकि वो उसमें घुस चुका था। लेकिन मुझे इस फेस में एक चीज और पता चली कि ऑनलाइन में भी मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, जिसमें आप 3,000, 4,000, 5,000 दे के एंट्री ले सकते हो और लोगों को सेल करके या उससे जुड़वा के आप भी पैसा अर्न कर सकते हो। एक पिरामिड स्कीम होती है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक प्रोडक्ट स्कीम होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट की स्कीम होती है, और भी बहुत अलग अलग पैनल्स होते हैं। तो अब मैं इस चीज़ में भी घुस गया, लेकिन प्रॉब्लम ये होने लगी कि जब भी मैं ये बिजनेस में आगे बढ़ता, मतलब 10-15 लोग मेरे साथ जुड़ जाते जो भी 2,000 या 3,000 रुपए देके, और उसमें मुझे कुछ 30% 20% इससे ज़्यादा नहीं मिलता था, राइट। तो ऐसे करके जब टीम बनते जाती थी और उनका भी रॉयल्टी होती है एक चीज़ कि आपको उनसे भी कुछ पैसा मिलेगा और वो भी जिसे सेल करेंगे उससे भी कुछ पैसा मिलेगा, ये कुछ लेवल्स तक होता है। जो लोग MLM में होंगे वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। अगर आप MLM में हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि या आपने ये फील किया या थे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट। तो अब होता यह था कि भैया ये जो कंपनीज थी ना बार बार भाग जाती थी, जब देखो तो भाग जाती। अभी मैंने टीम बनाया ही, पता चला रात रात भाग गई। अब ये तो होता ही हमारे इंडिया में, जहाँ पैसा बरस रहा है वहाँ कुछ फ्रॉड्स भी घुस जाते हैं आके। तो अब ये चीज़ मेरे को बहुत टेंशन दे रही थी। अब यहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड, इस बीच में मैंने बहुत कुछ किया, राइट। मैंने स्टार्ट किया कोर्सेस लेना एंड ऑल द थिंग्स, ये मैंने OSA चैलेंज करके मेरा एक ग्रुप है उसमें बताई भी है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ आपको बताता हूँ कि क्या किया। मैं क्रिप्टो में भी घुस गया, राइट। क्रिप्टो में मैंने ट्रेडिंग व्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है, ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया। अब क्रिप्टो में भी बहुत सारे स्कीम्स थे कि भैया आप इतना पैसा लगाओ, क्रिप्टो को खरीदो। उस समय क्रिप्टो जन्म ले रहा था, अभी ये 2017 हो चुका था, ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा था एक साल से, 2017 ऑलमोस्ट आई थिंक हो ही गया था, राइट। अब यहाँ पर मैं क्रिप्टो में घुस गया था और जियो भी आ गया था, तो मैंने क्रिप्टो में बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी, क्रिप्टो लेन देन। उस समय मुझे याद है क्रिप्टो 35,000 से 40,000 के बीच था, ठीक है, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ ऑनली मैं, और बाकी तो और कॉइन्स जो थे, डॉगी कॉइन, एथेरियम, ठीक है, बिटकॉइन कैश, ये सब के बारे में मुझे पता ही नहीं था। ये सब के बारे में मैं धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया, ठीक है। ट्रेडिंग मैंने थोड़ी बहुत सीखी, पर उसमें पता चला कि अगर भी हमारे पास छोटा अमाउंट है तो हम गेम नहीं खेल सकते। फिर उसके बाद बहुत सारे बॉट्स आते थे, ठीक है, जो क्रिप्टो बॉट्स कहते थे जिनको, उसमें मैंने पैसा लगाना स्टार्ट किया, उसमें रेफरल वर्क किया, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कुछ कुछ पैसे मैंने कमाने लगा। तो उससे करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा। फिर मुझे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, राइट। मिलियंस ऑफ डॉलर मतलब कि साल के 70-80 करोड़ रुपए, राइट, या 70-80 लाख ऑन एवरेज एक एफिलिएट मार्केटर साल का कमाता है, ऐसा मुझे पता चला। देन मैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ मूव हुआ। अब एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ मूव हुआ, मुझे कुछ गुरुज मिले जिनसे मैंने चीज़ें सीखा, राइट। इस बीच मैंने 10 से 20 कोर्सेज किए। कितने? 10 से 20। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, मैंने अपने ऊपर नहीं भी तो 100 रुपये वाला भी कोर्स खरीदा है और 1 लाख और 1.5 लाख रुपए वाला भी कोर्स खरीदा है। मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपये आ रहा था तो मैं 90 रुपये सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था। कितने? 90 रुपये। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैंने किन किन बड़े बड़े लोगों के कोर्सेज लिए हैं, और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मैंने ऐसे 10 से 20 कोर्सेज लिए और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये दौर चलता रहा 2 से 2.5 साल, सिर्फ मैं यही सारी चीज़ों में था अपने आप को बिल्ड करने में। उसके बाद मुझे एक सिस्टम समझ में आया कि ये सिस्टम ऐसे 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 काम करता है, एंड उसके बाद मैं कुछ कंसिस्टेंट मनी अर्न करना स्टार्ट किया। अब इस बीच बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिफरेंट चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो मैंने OSA चैलेंज में आपको बताई है कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मैंने अपने आप को वहाँ से रिकवर किया। अब OSA चैलेंज क्या है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर पता चल जाएगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड, जब मुझे एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज हुई तो मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया। उस समय जो रील्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ना टिकटॉक एग्जिस्ट करता था,
ना इंस्टाग्राम सही से मार्केट में था, बट हाँ इंस्टाग्राम में उस समय रीच अच्छी थी, अच्छा खासा ऑर्गेनिक ग्रोथ था। और सबसे बड़ा हथियार हमेशा से रहा है फेसबुक, राइट, फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक प्रोफाइल। अब फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है जो आज भी वर्केबल है, मतलब काम कर सकते हो आप और काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होता है, राइट। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल को मैं थोड़ा सा हटाना चाहूँगा, साइड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अब लगता है कि फेसबुक प्रोफाइल में उतना दम नहीं है, बट यस स्टिल फेसबुक ग्रुप काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। आज के समय में आपके पास तीन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला है रील्स, दूसरा है फेसबुक ग्रुप और तीसरा है यूट्यूब शॉर्ट्स। यहाँ पर आपको भर भर के ट्रैफिक मिलेगा, राइट। इस बीच जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट किया तो मैंने पहला अपना सबसे बड़ा अमाउंट कलेक्ट किया मार्केट से, उसे बोलते हैं 35,000 रुपए। यस, लाइफ में 35,000 रुपए फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे, और ये ऑलमोस्ट 2.5 साल के स्ट्रगल के बाद इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे मिला था, राइट। इससे पीछे पहले मैंने बहुत काम किया था, राइट, एक साल, इस 2.5 साल में आई थिंक मैं 1 साल रेगुलर था, और उससे पीछे जो 1.5 साल था वो मैंने जस्ट रिसर्च एंड इस चीज़ के बारे में जानने में, और मैं उस समय जो सिस्टम वाला एजुकेशन रहता है उसमें भी घुसा हुआ था। तो वो सब छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट मान लो मुझे 1 से 1.5 साल लगा मेरा पहला ब्रेक थ्रू लेने में। इस बीच मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। अब यहाँ पर भैया जब मैंने 35,000 रुपये क्रैक कर लिया था तो इसके बाद भी मैं कंसिस्टेंट पैसे नहीं कमा पा रहा था। यस, आपने सही सुना, 35,000 रुपये क्रैक करने के बाद, वो भी कुछ बहुत दिनों में नहीं, ये 35,000 रुपये मैं कुछ घंटों में क्रैक किया था, बट इस चीज़ को करने में मुझे 2.5 साल पीछे लग गए थे। यस, आपने सही सुना, 2.5 साल पीछे लग गए थे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि क्या ऑनलाइन में इतना तेजी से आप पैसा कमा सकते हो, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, हाँ आप कमा सकते हो अगर आपके पास स्किल है और आपके पास राइट डायरेक्शन है। मेरे पास उस समय राइट डायरेक्शन नहीं थी, राइट। मैंने राइट डायरेक्शन उस समय लेना स्टार्ट किया था जब मुझे पता चला था कि इंटरनेट पर भी सिखाने वाले लोग हैं, और वहाँ पर मुझे ये भी पता चला था कि यूट्यूब भी आ चुका है, तब उसके बाद मैं सही से परफॉर्म कर पा रहा था। अगर मेरे पास वो गुरुज नहीं होते, वो मेंटर्स नहीं होते, तो हो सकता है कि मुझे 3 से 4 साल और ज़्यादा लग जाता, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या कैसे करना है। तो ये सबसे पहला आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा कि आप सच में यहाँ फास्ट पैसे अर्न कर सकते हो या नहीं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या आप यहाँ ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तो अब हुआ ये कि जब मैं 35,000 रुपये क्रैक कर लिया तो इसके बाद फिर से मेरे कर्व में ऐसा डीप आया, राइट, मेरे ग्राफ में ऐसा डीप आया। अब यहाँ पर फिर क्या करूँ यार, नहीं समझ आया। फिर वही नेक्स्ट स्टेप कि अपने सेल्फ ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ से और मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की अपने ऊपर, राइट, कि कैसे और ये चीज़ें सीखूँ। फिर मैंने सीखा, देन उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर आप बोलोगे भैया बोर कर रहे हो आप, तो वो मैं आपको करना नहीं चाहता हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड, अब यहाँ पर मैं कंसिस्टेंट पैसे अर्न करने लगा कुछ सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने के बाद। यहाँ पर कुछ अच्छा खासा, कुछ नहीं, अच्छा खासा उधार हो चुका था मेरे ऊपर, राइट। अच्छा खासा उधार मतलब आप समझ जाओ कितना हुआ होगा, मैं लाख लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए के कोर्सेस ले रहा था उस बीच, राइट। और जो मैंने PTC साइट से और क्रिप्टो से कमाया था वो ऑलमोस्ट नहीं भी तो चिल्लर मिला के कहीं $80, कहीं $50, कहीं $100, कहीं $20, कहीं $30, ऐसे ही था, ठीक है। अब सोच लो कहाँ हूँ मैं, कितना उधार चल रहा है मेरे ऊपर, और ये उधार कैसे मैं लिया, कैसे कैसे मैंने पैसे के जुगाड़ किए, ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया है, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आगे चला, ठीक है। यहाँ जब मैं कंसिस्टेंट पैसे बनाने लगा तो हमेशा मेरा ग्राफ ऐसा ऊपर नहीं रहा, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसा नीचे ऊपर नीचे ऊपर चलते रहता है, राइट। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ फ्रीलांसिंग बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे कुछ स्किल्स काफ़ी अच्छे से आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपने ग्रोथ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। तो मुझे भैया आ चुका था कि एड्स कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे रन करते हैं, कैसे लैंडिंग पेजेस पे काम करते हैं, और थोड़ा मोड़ा ट्राफिक का नॉलेज। अभी भी मुझे उतना ज़्यादा ट्राफिक का नॉलेज नहीं था, एंड स्टिल मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, बट यस आप जितना जानते हो
तभी आप ये वीडियो को देख रहे होंगे, उससे मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, राइट। तो अब मैं ट्रैफिक और ये सारी चीज़ों की नॉलेज आज भी ले रहा हूँ, बट उस समय मेन मैं फोकस करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे ये जो बेसिक्स हैं काम करते हैं, राइट। तो ऊपर नीचे ग्राफ में चल रहा था। अब यहाँ फ्रीलांसिंग का रोल ये आया कि अब मैं लोगों के लिए भी काम करने लगा, मतलब क्लाइंट वर्क, राइट। वो क्लाइंट वर्क करते करते छोटे छोटे क्लाइंट लिए, फिर बाहर के क्लाइंट लिए, वो करते करते मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना भैया अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल ली जाए। तो मैंने कुछ वर्चुअल असिस्टेंट के साथ मिलकर अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की नींव रख दी। उसके बाद मैं हाई पेइंग क्लाइंट में घुसने लगा, मतलब कि वो लोग जो $1,000-$2,000 दे सके। $1,000-$2,000 होता है भैया 80,000-160,000 रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया के लिए। बट पहले मुझे बिलीव नहीं था, जब मैं लोगों के जुड़ा, लोगों की कम्युनिटी में घुसा, जो ऑनलाइन की कम्युनिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑनलाइन की कम्युनिटी। अगर लोग आपको मिलते जाएंगे तो वो आपको बिलीव कराते जाएंगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे समझ में आया कि भैया 1,00,000-2,00,000 रुपये कमाना यूं का खेल है, राइट। इससे पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहा था, बट एक एक क्लाइंट से 1,00,000 रुपए का पहला गेम खेलना मैंने यहीं स्टार्ट किया था, राइट। कि मुझे 50,000 का 1,00,000 का एक एक क्लाइंट मिल जा रहा है। फिर उसके बाद जब मुझे यहाँ से कुछ 2-3 क्लाइंट मिल गए और यहाँ से मेरा बेसिक बिल्ड होने लगा कि जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस था जिसे मैंने कन्वर्ट कर दिया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, वो जब बिल्ड होने लगा तो मुझे ये दिमाग में आया कि क्यों ना एफिलिएट मार्केटिंग में भी हाई टिकट जाया जाए। ऑल दो मैं उतना हाई टिकट नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास 2 बिजनेस था, और इस समय 2017 के लास्ट में मैं आ चुका था यूट्यूब पे भी, राइट। अब यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल तुरंत खत्म हो गए थे। पहला चैनल इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि उसमें मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि बाहर से बहुत सारे सब्सक्राइबर आ गए थे जो मेरे जो नीश होती है ना उसके नहीं थे, तो वो चैनल मुझे बंद करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। दूसरा चैनल मैंने खोला, उस पर कुछ स्ट्राइक्स आ गई तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी फट गई, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था यूट्यूब का, और यूट्यूब उस समय नया नया जन्म ले रहा था। आपने भुवन बम द स्टार के बारे में सुना होगा, तो उस समय भुवन बम आ चुके थे, हमको पता चल गया था भैया भुवन बम नाम का कोई बहुत बड़ा सितारा है जो यूट्यूब पे छा चुका है। यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको अब यहाँ पर आके लोगों को सिखाते हैं और वहाँ से मैं भी कुछ पैसे अर्न करता हूँ। तो पहला चैनल हुआ फ्लॉप, दूसरा चैनल खुद स्ट्राइक आ गया, मेरा फट गई, मैंने चैनल को बंद किया। थर्ड चैनल मैंने ओपन किया और वहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। मुझे 1,000 सब्सक्राइबर मिले, कहाँ से, एक कंपनी बंद हो गई थी, राइट। अब उस कंपनी बंद हो गई तो वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। अब लोगों ने उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने भी उस पर एक वीडियो बना दिया। वीडियो बनाया, मुझे कम से कम 1,500 से लेकर 2,000 सब्सक्राइबर सिर्फ उस वीडियो से आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, ये वो लोग थे जो MLM पसंद करते थे। अब ये वो लोग हैं जो MLM पसंद करते हैं तो मेरा गेम कैसे चलेगा। अब फिर से मैं फंस गया कि मेरा गेम कैसे चलेगा। फिर भी मैंने उस चैनल को बहुत साल तक चलाया और फास्ट फॉरवर्ड वहाँ से निकल के मैंने उस चैनल को 2022 में बंद कर दिया। यस, अभी आपने थोड़े दिन पहले, या हो सकता है आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो जो इस नए चैनल पे हो, आपने देखा होगा उस चैनल पे 19,000 समथिंग सब्सक्राइबर थे। अब उस चैनल को मैंने बंद क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले इस बीच जब मैं यूट्यूब की जर्नी में था तो मैंने एक और बिजनेस आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट किया जिसे बोलते हैं कोचिंग का बिजनेस। यस, कोचिंग का मतलब कि जो स्किल्स मुझे आती है कि जैसे मैं पैसा अर्न करता हूँ लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कई लोगों को ट्रेन किया, ऑलमोस्ट आज तक जो रेगुलर जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं 2,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है, लाखों रुपए उन लोगों के साथ मैंने जनरेट किए हैं एंड आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ थ्रू माय ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो यहाँ मेरे सबसे 3 बड़े बिजनेसेस जो ऑनलाइन में अभी रन हो रहे हैं वो यही हैं और उनके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैंने YouTube क्यों बंद किया? YouTube भाई मैं इसलिए बंद किया, मेरा पुराना चैनल मतलब जो थर्ड चैनल था उसे इसलिए बंद किया कि अब उसमें मैं एक्टिव नहीं था। अगर आप अभी वो चैनल है, आप भी आप सर्च करोगे तो वो आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो वो चैनल पे मैंने 600 से 700 वीडियोस डाले और अगर अनलिस्टेड वीडियोस लेके चलूँ तो 1,000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने उस चैनल पे बनाए। तो अब हुआ ये कि उस चैनल पे मैं एक्टिव नहीं रहा था क्योंकि मेरे अब ऑनलाइन का जो बिजनेस था, कोचिंग बिजनेस वो भी था, तो 3 बिजनेसेस से मैं अब चैनल को थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अगर आप उस चैनल पे जाके देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल से उस चैनल पे रेगुलर नहीं था। इस कारण उस चैनल का जो
समझ रहे हो ना, जो ग्रोथ है वो सीधा डीप में चला गया। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस चैनल पे जो शुरू के मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले थे, तो उन्हें सिर्फ उस तरह का कंटेंट ही समझ में आता था, इसलिए उस चैनल पे उतना मुझे लगता है कि ग्रोथ भी नहीं मिली। तो भैया उस चैनल को भी मैंने बंद किया और अब आप इस चैनल पे मुझे देख रहे हो। तो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको पूरा बताया कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ और कहाँ तक पहुँचा हूँ। आज की डेट में मेरे पास तीन बिजनेसेस हैं, सबसे पहला एफिलिएट मार्केटिंग का, दूसरा मेरा एजेंसी का और तीसरा मेरा कोचिंग बिजनेस, राइट। एंड पैसिव इनकम की अगर बात करें तो मैं था यूट्यूब पे और थोड़ा मोड़ा इधर उधर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल राइट, तो यही है कुछ पैसिव इनकम। और सबसे बड़ा जो पैसिव इनकम है वो है भैया एफिलिएट मार्केटिंग में, जो मैंने सेस प्रोडक्ट सेल किए हैं। सेस प्रोडक्ट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट, जिनका लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, राइट। जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का लिया होगा, हो सकता है अमेजन प्राइम का लिया होगा, या आपके घर में जो केबल होगा दूध वाला होगा, आप उसको मंथली पेमेंट करते हो ना, तो वही बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेस। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए हैं जिनसे मुझे सब्सक्रिप्शन बेस पैसे आते हैं, राइट। तो वो हो गया पैसिव इनकम का। मेनली मेरा आज तीन सोर्स ऑफ इनकम है। 5 साल स्ट्रगल करने के बाद भी मैं YouTube को पूरा सही से नहीं कर पाया, राइट, बट स्टिल आई एम ऑन YouTube और ये है मेरा चौथा चैनल जहां मैं 101% इस चैनल को सक्सेसफुल बनाने वाला हूं आपके सपोर्ट से। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर दो। तो ये है मेरी अब तक की जर्नी जो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड बताई है। बहुत सारी घटनाएं हुई इस बीच, बहुत सारी चीजें हुई जिससे मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ, बिलीव डेवलप हुआ और कैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो आपको पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैंने आपको पहला जो आपका मिथ था भैया कि क्या आप शॉर्ट टाइम पे ज्यादा पैसा बना सकते हो, तो उसका क्वेश्चन है हाँ और ना दोनों। जैसा कि मैंने आपको बताया वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है और आपने क्या स्किल सीखा है, राइट। मैंने 2.5 साल सीखा था तब जाके एक नाइट में, मतलब एक रात में फोड़ दिया था 35,000 रुपए, राइट। तो वो कैसे आया आपको समझ में आया। उसके बाद दूसरा कि क्या आप इसमें बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, आप इसमें करोड़ों रुपए बना सकते हो, लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ, लिमिट नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों का मतलब ऐसे ऐसे लोगों को दिखा दूंगा जो ईयरली $2 million $3 million सिर्फ ऑनलाइन से अर्न कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। $3 million समझ रहे, सॉरी $200 million $300 million नॉट टू और $3 million, राइट। 200 और 300 million कितने होते हैं आपको पता है? 700 से 1400 करोड़ रुपए। आप बोल रहे हो क्या सर मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इसके उदाहरण मिल जाएंगे बहुत सारे। गैरीवी, ग्रैंड कार्डानो, विवेक बिंद्रा को आप जानते होंगे, हमारे ही देश के हैं, राइट। वो नहीं भी तो 100 करोड़ ईयरली कमाते हैं सिर्फ अपने यूट्यूब के थ्रू। अब सिर्फ यूट्यूब के थ्रू बोल रहा हूं तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के जो एडसन से पैसे आता है उसके थ्रू नहीं, उनका जो पूरा बिजनेस बिल्ड है उसके थ्रू, राइट। तो बहुत पैसे आप कमा सकते हो अगर आप ऑनलाइन के कुछ बेसिक्स को समझ जाओ। ऑनलाइन के तीन बेसिक्स होते हैं, सबसे पहला होता है भैया ट्रैफिक, और दो जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करके मेरी पूरी जर्नी आई यहां तक फास्ट फॉरवर्ड में, जैसे मैंने बताया आपको। तो आपका दूसरा भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि क्या ये सिंपल है या इजी है। सिंपल और इजी, ये जो दो वर्ड है ना, ये लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है पर ये इजी नहीं है। यस, ये बिल्कुल सिंपल है पर ये इजी नहीं है। अब आप मेरा ही उठा के देख लो, मुझे 2.5 साल लगे थे पहला ब्रेक लेने में, मतलब पहला ब्रेक मिलने में मुझे 2.5 साल लगे, उसके बाद मेरी जर्नी बढ़ी, राइट। मैं ये नहीं बोलता कि आपको 2.5 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीने में फोड़ रहे हैं ऑनलाइन में 2020 के बाद। क्यों फोड़ पा रहे आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जो 10-10 साल से 5-5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोगों ने वीडियोस बनाया, अपनी कोचिंग प्रोग्राम लाए, तो आज वो गाइड में सही मेंटरशिप में पैसे अर्न कर पाए। अगर आपको राइट मेंटरशिप मिले और राइट डायरेक्शन मिले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 3 से 6 महीने में पूरा फोड़ सकते हो। जो मैंने 5 साल में या 2.5 साल में ले लो, जहां से मुझे ब्रेक मिला उतना किया, वो आप सिर्फ 2.5 महीने में कर सकते हो, मतलब कि 45 से 50 दिनों में फोड़ सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल एंड इट इज रियली रियली सिंपल। इजी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सिंपल, राइट।
इजी तब होगा जब आप एफर्ट लगाओगे, जो आपको राइट डायरेक्शन बताया जाएगा उसको फॉलो करोगे, तब ये आपके लिए इजी होगा। समझ रहे हो? सो इजी नहीं है, पर हाँ हार्ड भी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना फास्ट आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको राइट मेंटर चाहिए और राइट डायरेक्शन चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2020 के बाद अपने आप को इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक्सपर्ट कहने लगते हैं। एक्सपर्टीज इतना जल्दी नहीं आती। 5 साल लगा मुझे अपने आप को एक्सपर्ट कहने में। सॉरी, आज भी मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, आज भी मैं लर्नर हूँ। यस, आपको सिखा सकता हूँ कि ये कैसे चीज़ें बिल्ड होती हैं, क्योंकि मैं 5 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, राइट? बट उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो जो नए नए मार्केट में हैं और कुछ चंद रुपयों के लिए आपको कह रहे हैं कि भैया आपको मैं सिखा सकता हूँ कि कैसे बिल्ड किया। नहीं, ये मैं आपको सीधा फाइनल, मतलब एक क्लीन चिट लाइन में बोल रहा हूँ, नहीं। आज के समय में बहुत सारे लोग एफिलिएट कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज का, बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम एंड प्रोडक्ट्स का। इट इज़ ओके, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये बोल के कर रहे हैं कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो ये गलत है। आपने 2020 में स्टार्ट किया, और क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। इट इज़ रियली गुड कि आपको एक अच्छा खासा इनकम सोर्स मिला, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, बट यस, इट इज़ रियली रॉन्ग कि अगर आप किसी को होप दे रहे हो कि भैया मैं 2020 के बाद आया इस मार्केट में, मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। नहीं, आप नहीं सिखा सकते। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें, बट मैं आपको ये चीज़ सही से एकदम समझाना चाहूँगा कि यस, ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट मेंटरशिप चाहिए। मेरी जर्नी आप उठा के देख लो, मैं कितना फंस फंस के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो भैया ये तीनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, उसको नीचे प्रिंट कर दो कमेंट में, और लाइक कर दो इस वीडियो को। और जो भी आप प्रिंट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो 100% आपको ये सारी चीज़ें पसंद है और आप इस सारी चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हो। अगर यस, तो आप नीचे चेक करो डिस्क्रिप्शन, आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वो इंडिया की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी कम्युनिटी होने वाली है ऑनलाइन अर्निंग की। यस, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट, क्योंकि वहां सिर्फ लाइक माइंडेड लोग ही ज्वाइन करेंगे, राइट? तो अगर आप हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं वहां पर, और नीचे जो भी कमेंट आएगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा वीडियोस के थ्रू। तो आपके तीनों आंसर्स आपको मिल गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वर्किंग। जय हिंद।